इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यानी KIE क्या होता है और किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को KIE इम्पैक्ट कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट रिएक्शन के मैकेनिज्म को जानने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म और उसके RDS को जान सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो RDS होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को हम इस रिएक्शन की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक RH कोई रिएक्टेंट है जिसकी किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है। इसी तरह उसी रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास एक RD रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन करवाई जा रही है। अब मान लीजिए पहली वाली रिएक्शन जिसमें हमने RH यूज़ किया है इसमें रेट कॉन्स्टेंट को हम KH मान लेते हैं, और इसी तरह से दूसरी रिएक्शन जिसमें RD यूज़ किया गया है इसके रेट कांस्टेंट को हम KD मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास KH होगा ये रेट कांस्टेंट ऑफ H कंटेनिंग रिएजेंट का होगा। इसी तरह ये जो KD होगा ये हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर D कंटेनिंग रिएजेंट का होगा। D यहाँ पर हमारे पास ड्यूटेरियम होता है जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर वीडियोज़ की बात करें जहाँ पे GOC में हमने डिस्कस किया था कि जो CH और CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो जो CD बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो CD बॉन्ड होता है ये अप्रोक्सीमेट 1.2 किलो कैलोरी पर मोल CH बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम KH/KD के रेशो की बात करें यानी कि KH/KD ये जो रेशो होगा ये हमारे पास ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाएगा। किसी भी रिएक्शन में KH/KD की वैल्यू के बेस पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी काइनेटिक इफेक्ट होता है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी काइनेटिक इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में KH/KD की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 8 के बीच में आती है, ऐसी कंडीशन में ये जो इफेक्ट होगा इसे हम प्राइमरी काइनेटिक इफेक्ट कहेंगे। और अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में KH/KD की जो वैल्यू है ये वैल्यू 0.7 से लेकर 1.5 के बीच में आती है तो ऐसी कंडीशन में इस इफेक्ट को हम सेकेंडरी काइनेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये हमारे पास जो KH/KD का रेशियो आया है इसका मतलब क्या होता है, यानी ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है। दूसरा, KIE किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पे इम्पैक्ट डेवलप करता है। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल SN1 रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिया गया है। इसमें इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रखा जाता है, जबकि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिएक्शन के कोऑर्डिनेट रखे जाते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो सबसे हाइटेड पीक होती है ये हमारी RDS कहलाती है। अब हाइटेड पीक की RDS क्यों होती है? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऐसा देखा है कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट होती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी रेट जो होती है वो स्लो होती है। अगर इन दोनों पीक की एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो इस पीक की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इस पीक के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। चूँकि इस पीक की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए ये एक स्लो स्टेप होता है, इसकी जो रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उसका RDS कहलाता है, यानी RDS हमारे पास रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब KH/KD का जो रेशियो होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इसको समझने के लिए वापस इन दोनों रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन हैं जिसमें कॉमन रिएक्शन कंडीशन को मेंटेन किया गया है। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KH है और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KD है। अगर मान लीजिए इन दोनों रिएक्शन में हमको कोई एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जिसमें KH/KD की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 के आसपास आती है, यानी ये जो वैल्यू है वो 2 से 7 के बीच में आती है, यानी ये वैल्यू 7 है। इसलिए हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो होता है। अब इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर जब कभी भी KH/KD की वैल्यू 2 से 8 के बीच में आती है इस चीज़ का मतलब ये है कि उसका जो CH बॉन्ड या फिर CD बॉन्ड है ये बॉन्ड RDS स्टेप में ब्रेक हुआ है, और RDS स्टेप में ब्रेक होने के कारण ही इसका जो KH/KD का रेशियो है वो ज़्यादा आता है और ये वैल्यू 2 से 8 के बीच में आती है। अगर मान लो इस रिएक्शन के लिए KH/KD की वैल्यू 7 आकर 0.7 से लेकर 1.5 के बीच में आती तो इस तरह का जो इफेक्ट होता ये सेकेंडरी काइनेटिक इफेक्ट कहलाता। और इस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो CH बॉन्ड या CD बॉन्ड ब्रेक हुए हैं ये रिएक्शन के RDS स्टेप में ब्रेक नहीं हुए हैं। तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ KH/KD की वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं ये किस तरह का इफेक्ट है, ये प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। अगर ये प्राइमरी है इसका मतलब ये है कि CH बॉन्ड या CD बॉन्ड रिएक्शन के RDS स्टेप में यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक हुए हैं। अगर ये सेकेंडरी है तो CH बॉन्ड या CD बॉन्ड इसके RDS स्टेप में ब्रेक नहीं हुए हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए जो KH/KD की वैल्यू है अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इस टाइप का जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है इसे हम नॉर्मल सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर ये मान लो ये जो वैल्यू है ये 1 से कम हो जाती है यानी KH/KD की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है, ऐसी कंडीशन में इसको हम इनवर्स सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल में एसीटोन लिया गया है जिसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में Br2 के साथ करवाई जा रही है। इस रिएक्शन में जो एसीटोन का अल्फा कार्बन होता है वहाँ से एक H रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर Br एटम आ जाता है यानी कि बेसिक मीडियम में ये एसीटोन का हेलोजनेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ दूसरी रिएक्शन में एसीटोन का ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप लिया गया है यानी कि ड्यूटेरिनेटेड एसीटोन लिया गया है और इसकी रिएक्शन भी Br2 के साथ बेसिक मीडियम में करवाई जा रही है। इस रिएक्शन में यहाँ अल्फा कार्बन से एक D रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर Br एटम आ जाता है। अगर इन दोनों रिएक्शन के लिए KH/KD की वैल्यू की बात करें तो इस रिएक्शन में जो KH/KD का रेशियो होता है ये एक्सपेरिमेंटली 6.1 आता है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था अगर किसी रिएक्शन के लिए KH/KD की वैल्यू 2 से 8 के बीच में आती है तो उसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है यानी इस रिएक्शन में क्योंकि वैल्यू 6.1 आ रही है इसलिए इसमें प्राइमरी इफेक्ट प्रेजेंट होगा। अब इस इफेक्ट का मायने क्या होता है? अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले इस एसीटोन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जाती है। ये एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और ये बेस यहाँ से एक H को अपसेट कर लेता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाता है जिससे इस एसीटोन से कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होती है। ये कार्बेनाइन इनोलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि इनोलेट इस कार्बेनाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में जो इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप होता है ये एक SN2 रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में ये C- न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इस Br पर अटैक करके SN2 रिएक्शन के थ्रू अल्फा हेलोजन पर ब्रोमिनेशन करवा लेता है। इसी तरह से अगर एसीटोन के ये सारे H को D से रिप्लेस कर दिया जाए तो इस ड्यूटेरियम वाले एसीटोन की रिएक्शन जब बेसिक मीडियम में होती है तो अगेन यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहाँ से एक D एब्सेक्ट हो जाता है जिससे अगेन कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होती है और वापस ऊपर वाली रिएक्शन के सिमिलर इसमें SN2 रिएक्शन के थ्रू अल्फा हेलोजनेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस पूरी रिएक्शन में ये वो रिएक्शन का स्टेप है जहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वो रिएक्शन का स्टेप है जहाँ CD बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी इस स्टेप के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट होगा इसकी वैल्यू KH हो जाएगी और इस स्टेप के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट होगा इसकी वैल्यू KD हो जाएगी। चूँकि CH और CD बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है इसलिए अगर इन दोनों में रेट की बात की जाए कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी तो इसमें KH की वैल्यू जो आएगी वो KD से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो पहली वाली रिएक्शन है ये फास्ट होगी क्योंकि इसका जो CH बॉन्ड है वो RDS में ब्रेक हो रहा है। हमको कैसे पता लगा ये बॉन्ड जो है RDS में ब्रेक हो रहा है? क्योंकि इस रिएक्शन में 2 स्टेप थे, इसी तरह इस रिएक्शन में भी 2 स्टेप थे। अगर किसी रिएक्शन में KH/KD की वैल्यू 2 से 8 के बीच में आती है इसका मतलब ये है कि उसका जो CH बॉन्ड है या फिर CD बॉन्ड है वो RDS में ब्रेक हुआ है। इसका मतलब यहाँ से जब CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये इस रिएक्शन का RDS होगा और यहाँ पे CD बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये इस रिएक्शन का RDS होगा और दोनों में से ये रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि इसका रेशियो KH/KD 6.1 आता है यानी इस रिएक्शन में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 रिएक्शन दी गई है। पहली रिएक्शन में एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है और दूसरी रिएक्शन में यहाँ के H को D से रिप्लेस किया गया है और रिएक्शन कंडीशन सेम रखी गई है, यानी इसमें भी Cn न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम कार्बोनिल कंपाउंड के दौरान स्टडी कर चुके हैं। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप की पोलरिटी के कारण इसके ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इसी तरह से इसके कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये जो Cn न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसके कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इस रिएक्शन में Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। दोनों ही रिएक्शन में एक कॉमन टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन के आखिरी स्टेप में जब इसकी क्विंचिंग करी जाती है या न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है तो ये जो एल्कोक्साइड होता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस रिएक्शन के लिए KH/KD की वैल्यू की बात की जाए तो इसके लिए जो वैल्यू आती है 0.8 आती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है इसमें सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था अगर KH/KD की जो वैल्यू है वो 0.7 से लेकर 1.5 के बीच में रहती है तो ऐसा इफेक्ट सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में अगर आप CH बॉन्ड को CD बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे तो इस रिएक्शन की रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जबकि जो फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया था जिसमें CH की जगह पर अगर H को रिप्लेस करके हम CD कर देते हैं तो उसमें रेट का इम्पैक्ट आया था और रेट जो है वो डिक्रीज हो गई थी, यानी जो CH बॉन्ड वाली रिएक्शन थी जिसमें CH बॉन्ड RDS में ब्रेक हो रहा था वो रेट फास्ट हो रही थी। तो इस रिएक्शन में चाहे हम हाइड्रोजन वाला आइसोटोप ले लें या ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप ले लें, इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म में रेट पे कोई भी इम्पैक्ट डेवलप नहीं होता। ये सेकेंडरी KIE कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। नंबर 1 फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। इसमें हेलोजन की रिएक्शन एल्केन के साथ करवाई जाती है। बेसिकली ये किसी भी sp3 कार्बन की रिएक्शन होती है। इसमें sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होता है वो X की हेल्प से रिप्लेस हो जाता है जिससे RX की फॉर्मेशन होती है। ये जो रिएक्शन है इसमें हेलोजन के साथ सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड लिया जाता है। इस रिएक्शन को हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखोगे तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप और चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसका जो सेकंड स्टेप होता है यानी चैन प्रोपोगेशन जो स्टेप होता है उसमें इस RS से R फ्री रेडिकल यानी कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और ये रिएक्शन का RDS स्टेप कहलाता है। और रिएक्शन के अगले स्टेप में बनने वाला कार्बन फ्री रेडिकल अब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है जिससे RX की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पास RD ले लिया जाता तो इस रिएक्शन के अगेन RDS में कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती और ये X2 के साथ रिएक्ट करता और RD इस रिएक्शन का फाइनल स्टेप हो जाता। यानी इस रिएक्शन में बेसिकली 2 स्टेप हुए, पहला इसका RDS स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अगर इस रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट को हम KH मान लें और इस रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट को हम KD मान लिए तो इनके इम्पोर्टेंट रिजल्ट कुछ इस तरह से होंगे। क्योंकि CH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है तो इन दोनों रिएक्शन में इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो CH बॉन्ड है वो RDS स्टेप में ब्रेक हो रहा है, जबकि इसमें जो CD बॉन्ड है वो भी RDS स्टेप में ब्रेक हो रहा है, बट CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ये CH के कंपेरिजन में आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसमें RH लिया गया है उसकी रिएक्शन RD के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट KH था उस KH की वैल्यू KD से ज़्यादा होगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए KH/KD की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज़्यादा आती है और इसकी वैल्यू 2 से 8 के बीच में आती है। यानी इस रिएक्शन में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, यानी H के जगह पर अगर आप D रिप्लेस करेंगे तो इससे रेट पे इम्पैक्ट डेवलप होगा। नंबर 2 SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्किलहाइड। क्या एल्किलहाइड की SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में KIE प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? इसको समझने के लिए हम एल्किलहाइड की SN1 रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। SN1 रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के एल्किलहाइड हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो Cl बियरिंग कार्बन है उस पे यहाँ पर H एटम प्रेजेंट है, जबकि इस एल्किल हैलाइड में Cl बियरिंग कार्बन पर D एटम प्रेजेंट है। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि इस रिएक्शन में यहाँ पर H एटम है इसलिए इसके रेट कांस्टेंट को हम KH मान लेते हैं और यहाँ पर इसमें D एटम होने के कारण इसके रेट कांस्टेंट को KD मान लेते हैं। अगर इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो KH/KD की जो वैल्यू आती है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल होती है। अब ये 1 के इक्वल क्यों होती है इसके लिए इसका मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है। SN1 रिएक्शन को हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर इन दोनों रिएक्शन में इस रिएक्शन को कंसिडर करें तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन Cl बॉन्ड जो होता है वो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी Cl जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर एज ए Cl एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन का ये जो स्टेप होता है ये RDA स्टेप होता है और RDA स्टेप होने के कारण ये रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में इस कार्बोकेटायन में 1,2 शिफ्ट होती है। क्योंकि इस वक्त ये कार्बोकेटायन इस क्वेश्चन का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन होता है क्योंकि ये बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पर होता है और बेंजीन का इसमें +M इफेक्ट और इस CH3 के 3 अल्फा H का इसमें +H इफेक्ट होता है। चूँकि इस एल्किल हैलाइड के कार्बोकेटायन में 1,2 शिफ्ट पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए अब ये कार्बोकेटायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी वाटर इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये इस पर अटैक करता है और फाइनली एक H पॉजिटिव को रिलीज करके इसमें एल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर इस सेकेंड रिएक्शन में होता है कि यहाँ पे कार्बन Cl बॉन्ड ब्रेक होता है और इसमें भी जो Cl होता है अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाता है, यानी एज ए Cl एक्टिव बाहर निकल जाता है और ये भी इस रिएक्शन का RDA स्टेप होता है और RDA स्टेप होने के कारण ये इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में वाटर इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, वाटर के मॉलिक्यूल इस पर अटैक करते हैं, फाइनली एक H पॉजिटिव रिलीज होता है जिससे एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इन दोनों रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि इस पूरे स्टेप में या पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान कहीं भी CH या CD बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए। दूसरी बात ये कि इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का ब्रेक होना RDA स्टेप होता है, इसलिए इस CH बॉन्ड या CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस रिएक्शन पे कोई इम्पैक्ट डेवलप नहीं कर पाती। इसलिए इसमें KH और KD की वैल्यू जो है या KH/KD का जो रेशियो होता है वो अप्रोक्स 1 होता है, यानी इस रिएक्शन में किसी भी तरीके से काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। नंबर 3, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के एग्जाम्पल है। इन दोनों तरह के हैलाइड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पर 3 H प्रेजेंट होते हैं जबकि इस हैलाइड में यहाँ पर 3 D प्रेजेंट होते हैं और दोनों रिएक्शन में कॉमन ये है कि इसमें वाटर लिया जाता है। क्योंकि दोनों ही केस में हीट प्रेजेंट है, अब ये वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करके ये इसमें ईवन रिएक्शन देता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हीट एब्सेंट होती तो इस कंडीशन में हमको SN1 रिएक्शन करनी थी और हीट के कारण एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस पहली रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KH है, दूसरी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KD है। इन दोनों ही रिएक्शन में मैकेनिज्म में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। दोनों में ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों ही रिएक्शन में यहाँ से Cl एक्टिव एज ए Lg बनकर बाहर निकल जाता है। रिएक्शन का ये जो स्टेप होता है ये स्लो होने के कारण इस रिएक्शन का RDA स्टेप होता है और इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन का अगला स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है और इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करके बेस की तरह काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट प्रेजेंट होती है और वाटर के मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन से एक H या फिर एक D को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये दोनों तरह के कार्बोकेटायन हम GOC में कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला जो कार्बोकेटायन था इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें यहाँ पर 3 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन लगेगा जबकि इसमें 3 D एटम का हाइपर कंजुगेशन लगेगा। क्योंकि CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो इसमें इफेक्टिवली फास्ट हाइपर कंजुगेशन लगेगा, इसलिए इन दोनों कार्बोकेटायन में ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। बट यहाँ पे खास बात ये है, क्या ये इतना स्टेबल होता है कि रिएक्शन की रेट पे इम्पैक्ट डाल सकें? तो इसका आंसर ये है कि रिएक्शन के रेट के लिए इसकी स्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता, यानी ये अप्रोक्सीमेट इक्वल स्टेबिलिटी के माने जाते हैं और रिएक्शन की रेट पे इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जो इस रिएक्शन का RDA स्टेप था उसमें हमने केवल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करा है, जबकि रिएक्शन के सेकंड स्टेप में जब आरडीएस हो जाने के बाद जो स्टेप था उसमें हमने CHESCD बॉन्ड को ब्रेक करा है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आरडीएस पे इफेक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि आरडीएस तो इसका फर्स्ट स्टेप था, जबकि ये जो दोनों बॉन्ड है इसके सेकंड स्टेप में ब्रेक हुए हैं। इसका मतलब ये है इस रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसी कारण से इसके KH और KD की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगी, यानी बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी में डेफिनेटली डिफरेंस है, बट वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि रेट में डिफरेंस जनरेट कर सके। इसी कारण से इस रिएक्शन में जो KH/KD की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल होती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इसमें सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट डेवलप होता है। और अगर आप H वाला आइसोमर लो या फिर D आइसोमर लो, दोनों से ही रेट पे कोई इम्पैक्ट डेवलप नहीं होता है। अब इस एग्जांपल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमको समझ में आ गई कि कहीं भी CH बॉन्ड या CD बॉन्ड ब्रेक होता है और अगर वो स्टेप RDS है, ऐसी ही कंडीशन में प्राइमरी KIE एप्लीकेबल होगा, और उस रिएक्शन के लिए KH/KD का जो रेशियो होगा, जो वैल्यू होगी वो 2 से 8 के बीच में होगी। अगर ये बॉन्ड यानी CH बॉन्ड या CD बॉन्ड RDS हो जाने के बाद ब्रेक होता है या RDS होने से पहले ब्रेक होता है, ऐसी कंडीशन में रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और KH/KD की जो वैल्यू होगी वो इसमें 0.7 से लेकर 1.5 के बीच में होगी। नंबर 4 E2 रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की E2 यानी बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में KIE प्रेजेंट होता है। इसको हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैलाइड हैं और दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 3H है और यहाँ पर 3D एटम प्रेजेंट है, और दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई X एटम लिया गया है जिसे हम हेलोजन या कोई लिविंग ग्रुप मान सकते हैं। अगेन कॉमन चीज़ ये है कि दोनों की रिएक्शन OH नेगेटिव बेस के साथ हो रही है और इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग हो रही है। ये एक E2 रिएक्शन होती है। E2 रिएक्शन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में जो OH के मॉलिक्यूल होते हैं वो हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा इसे अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, और OH के मॉलिक्यूल इस बीटा कार्बन से एक H को एब्सेट करते हैं, जिससे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से एक हेलोजन एटम रिएक्शन में लीव कर जाता है। यानी इस पूरी रिएक्शन में इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से लीविंग ग्रुप या हेलोजन रिमूव होता है, जिससे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करें तो इस कार्बन से H निकलेगा और इस कार्बन से X निकलेगा, यानी इसमें HX की फॉर्मेशन होगी, जबकि सेकेंड रिएक्शन में यहाँ से D निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा और इसमें DX की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट को हम KH मान लेते हैं और सेकेंड रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट को KD मान लेते हैं। चूंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ ये स्टेप जो होगा इसका RDS स्टेप होगा, और इसके RDS स्टेप में यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके RDS स्टेप में CD बॉन्ड ब्रेक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो KH की वैल्यू होगी वो KD से बहुत ज़्यादा होगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि KH/KD की जो वैल्यू होगी वो 1 से बहुत ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 से लेकर 8 के बीच में आती है। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.7 रिपोर्टेड है। इस डेटा से इजीली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि E2 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है और ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, यानी कि इस रिएक्शन में अगर हम CH बॉन्ड की जगह पर CD बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। नंबर 5 E1CB रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसको समझने के लिए यहाँ पे दो तरह के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में कॉमन चीज़ ये है कि लीविंग ग्रुप यहाँ पे F एटम है और दोनों में ही NH2 नेगेटिव बेस लिया गया है। ये एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह ही एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसे हम E1CB एलिमिनेशन कहते हैं, और अगर पहली रिएक्शन को कंसिडर करें तो इसमें यहाँ से F एटम और यहाँ से H एटम रिलीज हो जाता है और HF साइड प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से फाइनल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इसके लिए रेट कांस्टेंट को हमने KH मान लिया है। दूसरी रिएक्शन में यहाँ से F एटम और यहाँ से D एटम रिलीज होता है, जिससे DF इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट बनता है और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को हमने KD मान लिया है। इन दोनों रिएक्शन के लिए कॉमन मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में जो बेस होता है वो इस लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन होता है वहाँ पर अटैक करता है और वहाँ से एक H को अपसेट कर लेता है, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में ये बेस इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से एक H को अपसेट करके इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा, यानी इस स्टेप में कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन में ये जो बेस होगा इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से एक D को अपसेट कर लेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिएक्शन का ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है, यानी ये रिएक्शन का आरडीएस स्टेप नहीं होता। रिएक्शन के अगले स्टेप में अब ये बनने वाला कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करता है, जिससे कार्बन और F के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे फाइनली हमारे पास एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनती है। रिएक्शन का ये स्टेप जिसमें लीविंग ग्रुप रिलीज होता है, रिएक्शन का ये स्टेप आरडीएस कहलाता है और आरडीएस होने के कारण ये इसमें स्लो स्टेप होता है। जैसा कि इस वीडियो में हमने मेंशन किया था, कहीं भी CH या CD बॉन्ड आरडीएस के बाद या फिर आरडीएस से पहले ब्रेक होते हैं, ऐसी कंडीशन में उनमें KI एब्सेंट होता है। जैसे इन दोनों ही केस में, या हम ऐसा कह लें E1CB रिएक्शंस में जो आरडीएस होता है वो लीविंग ग्रुप का रिमूवल होता है, जबकि जो CH या CD बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो उसके आरडीएस में ब्रेक नहीं होते। इस कारण से CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ या फिर CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ से रिएक्शन की रेट पे कोई इम्पैक्ट डेवलप नहीं होता। तो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसमें KH और KD की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्स इक्वल होगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि KH और KD का जो रेशियो होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल होगी, यानी कि इसमें सेकेंडरी KI प्रेजेंट होगा, जिससे रेट पर कोई इम्पैक्ट डेवलप नहीं होगा। नंबर 6, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव। इन सभी रिएक्शंस को हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। दो तरह की इस रिएक्शन में KI प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन की। जब बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड करवाई जाती है तो इससे हेलोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात की जाए, जो यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं, अगर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पर हेलोजन और लुईस एसिड की रिएक्शन से हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, जो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, यानी कि ये इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। और इस रिएक्शन में बेंजीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लेता है, जिससे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए हेलोजन इस कार्बन पर अटैक कर लेता है, जिससे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। रिएक्शन के अगले स्टेप में इस कार्बन से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से इसमें एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाती है। यानी रिएक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में बटा होता है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। अगर मान लीजिए इसमें हेलोजन आयोडीन है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी लुईस एसिड नहीं लिए जाते, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जाते हैं जैसे HgO। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हेलोजन कौन से लिए जा रहे हैं। अगर इसमें Cl2 या Br2 लिए गए हैं, ऐसी कंडीशन में हम AlCl3 या लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, ये इसका आरडीएस स्टेप या स्लो स्टेप होता है। अगर मान लो हेलोजन हमने I2 ले लिया, ऐसी कंडीशन में जो सेकंड स्टेप होता है वो इस रिएक्शन का आरडीएस बन जाता है। इसके मैकेनिज्म से हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, अगर रिएक्शन Cl2 या Br2 के साथ होती है, इसमें आरडीएस स्टेप फर्स्ट स्टेप होने के कारण जो CH बॉन्ड होता है वो सेकंड स्टेप में ब्रेक होता है। इस कारण से CH या CD बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो आरडीएस पे इम्पैक्ट डेवलप नहीं कर सकती। बट जब यही रिएक्शन I2 के साथ करवाई जाती है तो इसमें सेकंड स्टेप आरडीएस बन जाता है और इस सेकंड स्टेप में अब यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस स्टेप के आरडीएस बनने के कारण इसमें यानी आयोडीनेशन रिएक्शन में CH या CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ मायने रखती है और उसकी रेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डेवलप करती है। इसीलिए आयोडीनेशन रिएक्शन में प्राइमरी KI प्रेजेंट होता है। आयोडीनेशन रिएक्शन के KI को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एग्जाम्पल A और B गिवन है। A एग्जाम्पल में दो तरह की रिएक्शन है, इसी तरह B एग्जाम्पल में दो तरह की रिएक्शन है। A एग्जाम्पल की फर्स्ट रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन का ब्रोमिनेशन किया जा रहा है, जिससे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है और इसके लिए रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट है वो KH होता है। अगर यहाँ पर ड्यूटेरियम वाली बेंजीन ले ली जाती है तो सेम कंडीशन में हमारे पास ड्यूटेरियम वाली ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी और इसका रेट कांस्टेंट KD हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें दोनों रिएक्शन के रेट को कंपेयर करें, जैसा अभी हमने कहा था कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे KIE एप्लीकेबल नहीं होता, या हम ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर हम बेंजीन ले या फिर उसके H एटम को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम वाली बेंजीन ले, दोनों ही कंडीशन में इसकी जो रेट होगी वो ऑलमोस्ट सेम आएगी, यानी KH और KD की जो वैल्यू होगी, इसका जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल आएगी, यानी इसमें सेकेंडरी KIE प्रेजेंट होगा जो रेट पे इम्पैक्ट डेवलप नहीं कर सकता। अब बात करते हैं B केस की। B में अगेन हमारे पास दो रिएक्शन है, बट इस वक्त इसका आयोडीनेशन करवाया जा रहा है और आयोडीनेशन रिएक्शन में KIE प्रेजेंट होता है, KIE एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसमें CH बॉन्ड RDS में ब्रेक होगा, इसमें CD बॉन्ड RDS में ब्रेक होगा। CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये इजीली ब्रेक होगा, तो इस रिएक्शन के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो KH होगा उसकी वैल्यू KD से ज़्यादा आएगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि KH/KD की जो वैल्यू होती है ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी जो रेंज होती है वह 2 से लेकर 8 के बीच में होती है। इसी तरह का प्राइमरी KIE इफेक्ट जो होता है वो सल्फोनेशन में भी होता है। यहाँ पे हम सल्फोनेशन को नाइट्रेशन के साथ कंपेयर करके समझते हैं। जब बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करवाई जाती है, इस रिएक्शन में नाइट्रेशन होता है, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है जो कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और फाइनली इससे नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से ड्यूटेरियम वाली बेंजीन लेकर सेम रिएक्शन कंडीशन को मेंटेन करके हम नाइट्रेशन करवा सकते हैं। इन दोनों रिएक्शन की सिमिलरिटी की अगर बात करें तो दोनों में ही रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो RDS स्टेप होता है, और इसी कारण से ही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। इसी तरह से इस रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है जो कि फास्ट होता है, इस स्टेप में CH और CD बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रेशन जो रिएक्शन होती है उसमें CH या CD बॉन्ड जो होते हैं RDS हो जाने के बाद ब्रेक होते हैं, इसी कारण से इन दोनों बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो रेट पे कोई इम्पैक्ट डेवलप नहीं कर सकती। जैसा कि हमने इस वीडियो में मेंशन किया है कि अगर CH और CD बॉन्ड RDS में ब्रेक होंगे तभी रेट पे इम्पैक्ट होगा, अगर RDS से पहले या फिर RDS के बाद ब्रेक होते हैं तो कभी भी रेट पे इम्पैक्ट डेवलप नहीं होगा। इसी कारण से इस रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट KH है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KD है तो KH/KD की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 1 के इक्वल होती है। अब बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की। सल्फोनेशन रिएक्शन में प्राइमरी KIE प्रेजेंट होता है। ये इसमें प्राइमरी KIE क्यों प्रेजेंट होता है, इसके लिए इसके मैकेनिज्म को कंसिडर करते हैं। जब बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 करवाया जाता है तो इनके थ्रू SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है, जिससे फाइनली हमारे पास सल्फोनिक एसिड बन जाता है। अगर हम ड्यूटेरियम वाली बेंजीन ले लें तो रिएक्शन की सेम कंडीशन को मेंटेन करते हुए इसका भी सल्फोनेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को हम KH मान लेते हैं और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को हम KD मान लेते हैं। इन दोनों रिएक्शन में सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है, दोनों ही रिएक्शन 2 स्टेप होती हैं। रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इसमें फास्ट स्टेप होता है, जबकि रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है वो इसमें RDS स्टेप होता है, और सल्फोनेशन के दौरान RDS स्टेप में CH या CD बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसी कारण से सल्फोनेशन की जो रिएक्शन होती है वो आइसोटोप के चेंज करने पर उसकी रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। अगर इस रिएक्शन को कंसिडर करें जिसका रेट कांस्टेंट KH है, इसमें CH बॉन्ड जो होगा वो इसके RDS स्टेप में ब्रेक होगा। अगर इस रिएक्शन को कंसिडर करें जिसका रेट कांस्टेंट KD है, इसमें जो CD बॉन्ड होगा वो RDS में ब्रेक होगा। चूंकि CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है इसलिए CH बॉन्ड CD बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जल्दी ब्रेक होगा। इसी कारण से इस रिएक्शन का जो KH है उसकी वैल्यू KD से ज़्यादा आएगी, या हम ऐसा कह सकते हैं इस रिएक्शन के लिए KH/KD होता है वो 2 से लेकर 8 के बीच में होता है। यानी सल्फोनेशन रिएक्शन में और आयोडीनेशन रिएक्शन में दोनों में ही प्राइमरी KIE प्रेजेंट होता है और इसका KH/KD जो होता है वो 2 से लेकर 8 तक होता है। अब यहाँ पे सबसे दो इंपॉर्टेंट बातें हमको हमेशा ये ध्यान में रखनी है, केवल दो ही ऐसी EAS रिएक्शन है जिसमें KIE प्रेजेंट होता है, एक आयोडीनेशन रिएक्शन और दूसरा सल्फोनेशन रिएक्शन। बाकी किसी ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन या फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नाइट्रेशन किसी भी रिएक्शन में कभी भी KIE प्रेजेंट नहीं होता। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने KIE क्या होता है और इसके थ्रू रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट डेवलप होता है बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग POC को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।